गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना लेक्चर है वो किस पे है? स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था? स्केलेटल सेक्शन में अपन ने थोरेसिक केस तक डिस्कस कर लिया था, तो आज अपन उसको थोरेसिक केस के बाद से क्या है कंटिन्यू करेंगे। अपेंडिकुलर सेक्शन। अपेंडिकुलर सेक्शन क्या होता है? अपेंडिकुलर स्केलेटल कंसिस्ट ऑफ, अपेंडिकुलर जो है वो किससे बनता है? शोल्डर ग्रिड विद द अपर लिम्ब। शोल्डर ग्रिड चाहिए, शोल्डर ग्रिड होगी किसके साथ? अपर लिम्ब के साथ। और पेल्विक होगी किसके साथ? लोअर के साथ। ठीक है, तो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब ये मिलकर क्या बनाते हैं? अपना अपेंडिकुलर सेक्शन बनाते हैं। सबसे पहले अपना क्या है? अपर लिम्ब। अपर लिम्ब क्या है? ईच शोल्डर ग्रिड कंसिस्ट ऑफ, जो एक शोल्डर ग्रिड है वो किससे बनती है? क्लेविकल होती है उसमें एक, और एक क्या होती है? स्कैपुला होती है। और ईच अपर लिम्ब जो कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग बोन, और जो अपर लिम्ब है वो किस किस से बनती है? उसमें एक क्या होता है? हुमरस होता है, एक रेडियस होती है, एक अल्ना होती है, 8 कार्पल बोन होती है, 5 मेटाकार्पल बोन होती है, और 14 क्या होती है? फ्लेंजेज होती हैं। तो शोल्डर ग्रिड के अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं? एक क्लेविकल और एक स्कैपुला होता है। और जो अपर लिम्ब है, अपर लिम्ब के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक ह्यूमरस होता है, एक रेडियस होती है, एक अल्ना होती है, 8 कार्पल बोन होती हैं, 5 मेटाकार्पल होती हैं, और 14 फ्लेंजेज बोन होती हैं। ये सारी की सारी मिलकर क्या बनाती हैं? शोल्डर ग्रिड बनाती हैं। फर्स्ट क्या है? क्लेविकल और कोलर बोन। द क्लेविकल इज ए लॉन्ग बोन विच हैज ए डबल कर्व। जो क्लेविकल है वो क्या होती है? एक लॉन्ग बोन होती है, और उसके अंदर क्या होता है? डबल कर्व प्रेजेंट होता है। इट आर्टिकुलेट विद द मैंडिबलम ऑफ द स्टर्नम एंड स्टर्नो डेंटिकुलर जॉइंट एंड फॉर्म द एक्रोमैंडिकुलर जॉइंट विद द एक्रोमन प्रोसेस ऑफ द स्केपुला। ये किसके साथ आर्टिकुलेट रहती है? मैंडिबलम के साथ आर्टिकुलेट रहती है। कहाँ पे? स्टर्नम पे। और स्टर्नम पे कौन सा जॉइंट होता है? स्टर्नो ऑर्निकुलर जॉइंट होता है। ठीक है, वो क्या करता है? एक्रोमैंडिबुलर जॉइंट बनाता है। ठीक है, किसके साथ? एक्रोमन प्रोसेस के साथ। और कहाँ पे? स्केपुला पे। द क्लेविकल प्रोवाइड द ओनली बोनी लिंक बिटवीन द अपर लिम्ब एंड द एक्सल स्केलेटन। और क्लेविकल क्या करती है? बोनी लिंक प्रोवाइड कराती है। कहाँ पे? अपर लिम्ब और एक्सल स्केलेटन के बीच में।
नेक्स्ट क्या है, क्लेविकल और कॉलर बोन इसमें दिखाई गई है। तो क्लेविकल जो है वो ये है, डबल लेयर की बोन होती है, ठीक है, और इसकी जो पोजीशन है वो दिखाई गई है, और ये दोनों बोन को, दोनों को क्या है, जोड़ के रखती है, एक बोनी लिंक प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट है स्केपुला और शोल्डर ब्लेड। द स्केपुला इज द फ्लैट ट्रायंगुलर शेप बोन। स्केपुला क्या है, फ्लैट होती है, ट्रायंगुलर शेप की बोन होती है, लाइंग ऑन द पोस्टीरियर चेस्ट वॉल सुपरफिशियल टू द रिब्स एंड सेपरेटेड फ्रॉम बाय द मसल्स। किसके द्वारा सेपरेट होती है, मसल्स के द्वारा क्या है, ये सेपरेट होती है। ट्रायंगुलर शेप की क्या है, फ्लैट बोन होती है, ठीक है, कहाँ पे रहती है, पोस्टीरियर चेस्ट वॉल पे प्रेजेंट रहती है। एट द लेटरल एंगल देर इज ए सोलोट एट आर्टिकुलर सरफेस द ग्लेनोइड कैविटी विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस फ्रॉम द शोल्डर जॉइंट। लेटरल एंगल पे क्या है, ये ट्राई आर्ट ये है चौथी है, आर्टिकुलर सरफेस द ग्लेनोइड कैविटी with the head of the humerus from the shoulder joint on the posterior surface there is a spinous process that project beyond the lateral angle of the bone that overhinges the shoulder joint called the acromion process। इट आर्टिकुलेट विद द क्लेविकल एट द एक्रोमिनल जॉइंट, और किसके साथ आर्टिकुलेट रहती है, क्लेविकल एट द एक्रोमिनल जॉइंट। द कोरोनॉइड प्रोसेस ए प्रोजेक्शन फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ द बोन गिव अटैचमेंट टू द मसल्स दैट मूव द शोल्डर जॉइंट। और कोरोनॉइड प्रोसेस क्या करती है, प्रोजेक्शन होती है, जो अपर बॉर्डर और बोन स्ट्रक्चर क्या है, अटैचमेंट देती है, जिससे क्या है वो शोल्डर जॉइंट है वो क्या है, मूव होता है। इसके अंदर क्या है, अपने स्केपुला का
बोन दिखाई गई है, कैसे वो आर्टिकुलेट रहती है, किस किस के साथ रहती है, फ्लेट बोन है, ट्राइंगुलर की बोन है, क्लेविकल के साथ रहती है, ह्यूमरस के साथ रहती है, ये इस डायग्राम के अंदर क्या है दिखाया गया है। नेक्स्ट है अपनी ह्यूमरस, दिस इज ए बोन ऑफ द अपर आर्म। ह्यूमरस क्या है, बोन है किसकी, अपर आर्म की क्या है, बोन है। द हेड आर्टिकुलेट विद द ग्लेनोइड कैविटी ऑफ द स्केपुला फॉर्मिंग द शोल्डर जॉइंट। हेड है वो किसके साथ आर्टिकुलेट रहता है, विद द ग्लेनोइड कैविटी ऑफ द स्केपुला फॉर्मिंग द शोल्डर जॉइंट, और क्या बनाता है, शोल्डर जॉइंट बनाता है। डिस्टल टू द हेड देर आर टू रफ एंड प्रोजेक्शन ऑफ द बोन, द ग्रेटर एंड लेजर टू टूब्रिक्लास एंड बिटवीन देम देर इज ए डीप ग्रो द बाइकेप्टल ग्रो ऑफ द इंटर ट्यूब्रिकुलर सक ऑक्यूपाइड बाई वन ऑफ द टेंडन ऑफ द बाइसेप मसल्स। द डिस्टल एंड ऑफ द बोन प्रेजेंट टू सर्फेस दैट आर्टिकुलेट विद द रेडियस एंड अल्ना टू फॉर्म द एल्बो जॉइंट। ठीक है, हुमरस है, हुमरस में क्या है, दिस इज ए बोन ऑफ द अपर आर्म। हुमरस क्या है, अपर आर्म की बोन होती है। द हेड आर्टिकुलेट विद द ग्लेनोइड कैविटी ऑफ द स्केपुला, हेड है वो किसके साथ आर्टिकुलेट रहता है, विद द ग्लेनोइड कैविटी ऑफ द स्केपुला फॉर्मिंग द शोल्डर जॉइंट, और क्या बनाता है, शोल्डर जॉइंट बनाता है। डिस्टल टू द हेड देर आर टू रफ एंड प्रोजेक्शन ऑफ द बोन, द ग्रेटर एंड लेजर ट्यूब्रिकल्स एंड प्रोवाइड देम देर इज ए डीप ग्रो द bicipital grow in intertubular sacs occupied by the one of the tendon of the bicep muscles। किसके साथ द्वारा occupied रहते हैं, एक muscles होती है किन, किसकी tendon है, bicep muscles की, उसके द्वारा क्या है ये humerus है वो कि bone जो है वो occupied रहती है। The distal end of the bone present to surface that articulate with the radius and ulna to form the elbow joint। ये क्या है, ह्यूमरस बोन दिखाई गई है, इसके अंदर क्या है, ह्यूमरस हेड है सबसे पहले, ठीक है, ये ग्रेटर है, ये लेजर ट्यूब्रिसिटी, ये सर्जिकल नेक है इसकी, ठीक है, ये एनाटॉमिकल नेक हो गई, ये हेड है, ये एनाटॉमिकल नेक है, ये सर्जिकल नेक है, ये डेल्टॉइड ट्यूब्रिसिटी है, ये लेटरल है, ये कैपिसिटम है, ठीक है, ट्रोकिया है, मीडियल एफिशिएंसी, ये क्या है अपनी पूरी की पूरी एक ह्यूमरस बोन की स्ट्रक्चर है।
नेक्स्ट जो है वो क्या है, अल्ना और रेडियस। देर आर द टू बोन ऑफ द फोर आर्म। रेडियस और अल्ना क्या है, दो बोन होती है किसकी, फोर आर्म की। द अल्ना इज ए लॉन्गर एंड द मीडियल टू रेडियस एंड व्हेन द आर्म इज एनाटॉमिकल पोजीशन। अल्ना है वो क्या है, लॉन्ग होती है, व्हेन द आर्म इज द एनाटॉमिकल पोजीशन इज विद द पाम ऑफ द हैंड फेसिंग फॉरवर्ड द टू बोन आर पैरेलल। और ये दो बोन क्या है, पैरेलल होती हैं। दे आर्टिकुलेट विद द ह्यूमरस एंड द एल्बो जॉइंट। किसके साथ आर्टिकुलेट होती है, एल्बो जॉइंट्स पे, ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेट होती है। द कार्पल बोन एंड द रिस्ट जॉइंट एंड द ईच अदर एट द प्रोक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। अपर जो है ह्यूमरस के साथ और लोअर जो है किसके साथ रहता है, रिस्ट जॉइंट के साथ। ठीक है, कार्पल बोन के साथ रिस्ट जॉइंट होता है, वहाँ पर वो क्या है, अटैच रहती है। अल्ना और रेडियस क्या है, दो बोन होती हैं। देर आर टू बोन ऑफ द फोर आर्म। फोर आर्म की क्या है, दो बोन होती हैं। ठीक है, द अल्ना इज ए लॉन्गर देन एंड, अल्ना क्या है, लॉन्गर होती है एंड मीडियल टू रेडियस। ठीक है, एंड व्हेन द आर्म इन इज इन द एनाटॉमिकल पोजिशन विद द पाम ऑफ द हैंड फेसिंग फॉरवर्ड द टू बोन आर पैरेलल। दोनों बोन क्या है, पैरेलल चलती है। दे आर आर्टिकुलेट विद द ह्यूमरस एट द एल्बो जॉइंट। ये क्या है, आर्टिकुलेट रहते हैं किस कहाँ पे, ह्यूमरस के साथ एल्बो जॉइंट पे और कार्पल बोन के साथ रिस्ट जॉइंट पे। एंड द ईच अदर एट द प्रोक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। नेक्स्ट क्या है, अल्ना और जो रेडियस है उसमें डायग्राम दिखाया गया अपने को, ह्यूमरस बोन है ठीक है, और ये रेडियस अल्ना दोनों बोन अपने को दिखाई गई है, कैसे कैसे आर्टिकुलेट रहते हैं, कैसे इनके जॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है, कार्पल और रिस्ट बोन। देर आर एट कार्पल बोन अरेंज इन टू रो ऑफ फोर। क्या है, कार्पल और जो है रिस्ट बोन है उसमें क्या है, कार्पल आर एट, देर आर एट कार्पल, ठीक है, आठ क्या है, कार्पल होती हैं। ठीक है, अरेंज इन टू रो ऑफ फोर, अरेंज रहती हैं दो रो में। ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड इनवर्ट दे आर। प्रोक्सिमल रो के अंदर कौन सी हैं, स्कैफोल्ड है, ल्यूनेट है, ठीक है, पीसी फॉर्म है, ये क्या है, प्रोक्सिमल रो में रहते हैं, डिस्टल रो में ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजॉइड है, कैपिटेट है, हेमेट है, ये क्या है, अपनी डिस्टल रो में रहती है। दीज बोन आर क्लोजली फिटेड टू वर्ड एंड हेल्ड इन पोजिशन बाई लिगामेंट विच द अलाउ द सर्टेन अमाउंट ऑफ मूवमेंट बिटवीन देम। ये क्या है, क्लोजली फिटेड रहती है, ठीक है,
किसके द्वारा? लिगामेंट्स के द्वारा। और इनके अंदर क्या है? हल्का हल्का मूवमेंट रहता है, ठीक है। कार्पल और रिस्ट बोन की अगर हम बात करें तो कार्पल जो है वो क्या है, 8 कार्पल होती हैं, ठीक है, 2 रो के अंदर होती हैं, ठीक है, प्रोक्सिमल में 4 होती हैं और 4 क्या है, डिस्टल में होती हैं, क्लोजली फिटेड होती हैं, ठीक है, किसके द्वारा होती हैं? लिगामेंट के द्वारा। द बोन ऑफ द प्रोक्सिमल रो आर एसोसिएटेड विद द रिस्ट जॉइंट। जो प्रोक्सिमल रो की जो बोन है वो किसके साथ एसोसिएटेड रहती हैं? रिस्ट जॉइंट के साथ। एंड दोज ऑफ द डिस्टल रो फॉर्म जॉइंट विद द मेटाकार्पल बोन। टेंडन ऑफ द मसल्स लाइंग इन द फोर आर्म क्रॉस द रिस्ट एंड आर हेल्ड क्लोज टू द बोन बाई स्ट्रॉन्ग फाइबर्स बैंड कॉल्ड रेटिनोकुला। नेक्स्ट है अपनी मेटाकार्पल बोन और बोन ऑफ द हैंड। देर आर दीज आर 5 बोन फ्रॉम द पाम ऑफ द हैंड। देर आर न्यूमेरेट फ्रॉम द थम साइड इनवर्ड। द प्रोक्सिमल एंड आर्टिकुलेट विद द कार्पल बोन एंड द डिस्टल एंड विद द फ्लेंज। जो प्रोक्सिमल एंड है वो किसके साथ आर्टिकुलेट रहता है? कार्पल के साथ, ठीक है, और डिस्टल है वो किसका किसके साथ है? फ्लेंजेज के साथ, फ्लेंजेज और फिंगर बोन। देर आर 14 फ्लेंजेज अरेंज इन 3 इन ईच फिंगर एंड 2 इन द थम। फ्लेंजेज है वो कितनी होती हैं? 14 होती हैं, 3 अपने प्रत्येक फिंगर के अंदर होती हैं और 2 क्या है अपने थम के अंदर होती है। दे आर आर्टिकुलेट विद द मेटाकार्पल बोन एंड विद ईच अदर। और मेटाकार्पल बोन के साथ क्या है वो एक दूसरे से आर्टिकुलेट रहती हैं। Thanks to all.